आमिर खान को जितनी कुप्रथा या कह लीजिए रूढ़िवादी परंपरा हिंदू सनातन में दिखाई देता है, बाकी वो पूरी तरह धृतराष्ट्र है, अंधे हैं और उनको बुर्का नहीं दिखाई देता है, उनको तीन तलाक नहीं दिखाई देता है, उनको इन विषयों पे नहीं बोलना है जिससे इस्लाम में रहने वाली महिलाओं को आज़ादी मिले, उनको बस हिंदू पे टिप्पणी करना है, हिंदू सनातन पे टिप्पणी करना है। वो दर्शा रहे हैं कि जी अभी तक तो बेटियां जाती थी लड़कों के पास, शादी हो जाने के बाद उसके घर जाती थी, उसका परिवार होता था, और अब वो दिखा रहे हैं कि जी लड़का जा रहा है उन लड़की के पास। देखो हमारे सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है और सबके पीछे लॉजिक है। सवाल ये है कि लेकिन इनमें सूट नहीं करता, ये सिर्फ ये कोई चीज़ उल्टा करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि चीप पब्लिसिटी लेने के लिए अपने को एक फेम में बने। अभी तो फिल्म भी फ्लॉप हो गई वो जो निकाले थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अपने आप जीवन में क्यों नहीं लागू करते। आपने स्वयं दो शादियाँ किया, किरण राव से किया, वो हो गई किरण खान, किरण खान थी ना, एक रीना दत्ता थी कोई, उसको बना दिया रीना खान। कभी तुम भी आमिर खान, आमिर राव बन जाओ, कभी तुम भी जो रीना दत्ता थी उसका टाइटल ले लो, आमिर दत्ता बन जाओ। तुम जो भी हिंदू लड़कियाँ आती हैं, हिंदू बेटी बहनें आती हैं, उसको इस्लामिक बना देते हो, ठप्पा लगा देते हो। अरे कभी तुम भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, कभी हिंदू सनातनी से दीक्षा ले लो और तुम भी हिंदू बन जाओ। तो ये आखिर लड़कियों को तुम अबला क्यों बना रहे हो भाई? तुम्हारे पास जो भी लड़की जाती है तुम उसका खान का मुहर लगा देते हो उस पर। कभी तुम भी टीका वोका लगा करके ब्राह्मणों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, दीक्षा ले करके सनातनी तरीके से अपना हिंदू सनातन धर्म में घर प्रवेश करो और उसके बाद उसकी टाइटल अपना अपनाओ।